आप देख सकते हैं ये इसकी एंट्रेंस है अनुराचल भवन की, और कुछ ऐसा इसकी एंट्रेंस है। और ये आप देख सकते हैं अनुराचल हाउस है ये बेसिकली। This is Vince Guru once again and welcome back to my channel. So, you guys are doing great. और गाइज मैं आज आपको लेके आया हूँ ऐसी जगह में जो एक हिडन जेम है, हार्ट ऑफ दिल्ली में है, चाणक्यपुरी के अंदर है, और इस जगह का नाम है अनुराचल भवन। गाइज ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो कि फेमस तो मैं नहीं कहूँगा, बट इट इज़ अ हिडन जेम आई वुड से, बिकॉज पीपल कम हेयर एंड यू नो हैव अ नाइस टाइम इन द प्रेमिसेस। इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं छोटा सा रेस्टोरेंट है, और पीछे दिखाइए आप उस तरफ भी है, और ये इसकी एंट्रेंस है। तो ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है उसकी डिशेस, मैं ये कहना चाहूँगा अनुराचल की जो डिशेस हैं, नॉर्थ ईस्ट की डिशेस हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो आज हम कुछ ऑर्डर करेंगे यहाँ से इनके मेन्यू से, और आपको बताएंगे कैसा ये रेस्टोरेंट है। शाम से शुरू हो जाता है 4-5 बजे से, और रात के 10-10:30 बजे तक रहता है। काफ़ी डेलिकेसीज भी सर्व करते हैं, इंक्लूडिंग फिश है इनके पास, प्रॉन्स हैं इनके पास, मोमोज हैं, थुपकाज हैं, चाइनीज़ चिली चिकन है, साथ में हाका नूडल्स हैं, और हमने भी कुछ ऐसा आज ऑर्डर किया है, और दिखाते हैं कैसी है प्रिपरेशन, और टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। आप इनका मेन्यू देख सकते हैं, यांगसांग हिमाचल किचन, और 10:30 बजे तक रहता है। अनुराचल हाउस है, 3 बीकानेर जीत मार्ग चाणक्यपुरी, और ये है इनका मेन्यू। मेन्यू में है काफ़ी आइटम्स, पोल्ट्री है, मीट है, वेजिटेरियन है, मेन कोर्सेज हैं जो कि प्रॉन चिली है, प्रॉन्स विद लेमन बटर सॉस है, बीजिंग प्रॉन्स हैं, लेमन चिली फिश है, पोल्ट्री एंड मीट, चिली चिकन ग्रेवी है, काफ़ी आइटम्स हैं आप देख सकते हैं, और साथों साथ ही और चीज़ें भी सर्व करते हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंडियन डिशेज़ हैं, और भी काफ़ी डिशेज़ हैं इसके अंदर। काफ़ी एलैबोरेट सा मेन्यू है, डिमसम्स मोमोज हैं, पोक मोमोज हैं, वेज हैं, तो और देखते हैं कैसी है प्रिपरेशन और बताएंगे आपको। फूड हैज़ अराइव्ड एंड स्टार्टिंग विद दिस मिर्ची की चटनी, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल सी लग रही है, एकदम काफ़ी तीखी लग रही है मेरे को देखने में ही। और ये है हमारा चिली चिकन विद ग्रेवी, आप देख सकते हैं सर्विस इज़ क्वाइट डिसेंट, और एकदम मस्त 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 हरी मिर्चें डली हुई हैं, शिमला मिर्च है, चिकन के अच्छे चंक्स हैं, और साथ ही में है हमारे पास हाका नूडल्स, चिकन हाका नूडल्स, आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से इसमें गार्निश किया गया है इंग्रेडिएंट्स, और चिकन के अच्छे पीस आ रहे हैं। और ये जो डिश ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगा, डबल पोक चिली ड्राई, आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पे इतने बड़े बड़े से चंक्स हैं इसके अंदर, और इसको डबल फ्राई किया गया है क्रिस्पीनेस के लिए। मुझे याद आ गया, पोक इज़ फेमस, लाइक पोक बेली इज़ क्वाइट टेंडर, और वो काफ़ी टेस्टी लगती है अपनी टेंडरनेस की वजह से। हम देखेंगे कि इसमें भी वो अगर बात है कि नहीं, और आपको बताएंगे जो खाने का टेस्ट है कैसा है, और आपको हमारी रिकमेंडेशन पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं खाने को और बताएंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट अप, लुक एट दैट, चाउमीन इज लुकिंग सो टेम्प्टिंग, हाका नूडल्स सॉरी, एंड हियर्स सम चिली चिकन, ओह लुक एट दैट, इंग्रेडिएंट्स आर नाइस, सेमी थिक ग्रेवी, वाव, एंड माय फेवरेट, ये तो मेरे को ही खाना पड़ेगा आज, क्योंकि इसको और खाने का कंटेंडर नहीं है आसपास, तो देखते हैं कैसा है टेस्ट और आपको बताएंगे हमारी रिकमेंडेशन। सो गाइस स्टार्टिंग विद दिस,
आई कुड ईजिली यू नो टेक द फोक इन टू द मीट. और अब देखिए आगे देखिए और ये देखिए ये क्या अच्छा सा टेंडर सा पीस है. टेस्ट इसका ऐसा है थोड़ा जैसे हनी हनी का यूज़ किया गया, थोड़ा मीठा मीठा सा है. तो आप देख सकते हैं पोक थोड़ा हार्ड रहता है अदरवाइज, बट दिस इज लुकिंग क्रिस्पी नाइस. आई एम हैविंग दिस आफ्टर सम एजेस, यू नो लॉन्ग टाइम बैक व्हेन यू यूज्ड टू विजिट सिक्किम हाउस एंड इट यूज्ड टू बी लाइक फन. टेस्ट बहुत बढ़िया रहता था उसका और ये भी उसके आसपास ही है. लेट्स ट्राई द चटनी. वेरी हॉट और जो चटनी है काफ़ी ज़्यादा फायरी है एकदम, बहुत ही ज़्यादा. आप देखिए इसमें इसका जो मिर्ची का आ रहा है बहुत ज़्यादा टेस्ट है. सो गाइस दिस इज लुकिंग क्वाइट फिलिंग नाइस. Yes, well with the gravy, the Hakka noodles you can see here, quite smooth and juicy. So guys, they have you know put lots of vegetables into the noodles and they are looking fabulous, including this meat. The chicken is looking quite hot and well done chicken, I would say. So overall is a nice combination of all three dishes that have been served to me. They are looking okay. Aur chalte hain. गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा जो आज ये चाइनीज़ किचन का हमने आपको छोटा सा ब्लॉग दिखाया पसंद आया होगा. और पसंद आया है तो विज़िट करिए इस जगह को, अरुणाचल भवन है सनकपुरी के अंदर. और मैं उम्मीद करता हूँ आप हम दोबारा मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, कुछ नए खाने की तलाश करेंगे और बताएंगे आप.